नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 17 अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज का जो दैनिक पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है वो 17 अप्रैल का है, वार शनिवार है। सूर्योदय प्रातः 6:22 का है और जो सूर्यास्त है वो शाम 6:56 का है। ऋतु वसंत का चल रहा है। आज की जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी है। नक्षत्र मृग है। योग शोभन है, करण बालव है। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में भ्रमण करेगा 1:09 के बाद। उसी प्रकार अमृत घटी, जिसे शुभ कालावधि भी कहा जाता है, यह है शाम 7:47 से लेकर 9:19 तक। अभिजीत मुहूर्त, जिसे दिन का शुभ मुहूर्त कहा जाता है, वो है 2:12 से लेकर 1:03 तक। राहुकाल, जिसे अशुभ कालावधि कहा जाता है, वो है 9:30 से लेकर 11:04 तक। विष घटी, इसे भी अशुभ कालावधि कहा जाता है, यह होगा 3:57 से लेकर 5:29 तक। उसी प्रकार आज का जो शुभ अंक है वो 8 है। ग्रहयोगों के बारे में अगर चर्चा करें तो आज के दिन चंद्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। चंद्र और मंगल की युति होने जा रही है। उसी प्रकार चंद्रमा का रवि और बुध के साथ लाभ योग भी होने जा रहा है। मंगल और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार बुध का मंगल और गुरु के साथ लाभ योग होने जा रहा है। यह ग्रहस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:09 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ युति योग करने जा रहा है। आपके राशि में स्थित बुध और रवि के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके लाभ भाव का गुरु नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो मंगल है और आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसे के बारे में जो भी काम है वह आज के दिन कर लो या फिर उसके बाद सारे बारे में कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आज के दिन आप दोपहर के बाद का जो समय है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। जो भी अटके हुए काम है वह आज के दिन आप पूरे करते हो तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो भी काम आप हाथ में ले गए वो पूरे हो गए या फिर आपके मन में यदि किसी भी प्रकार के नए आइडियाज़ हैं तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:09 के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके वैय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके दशम भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके वैय भाव में स्थित बुध के साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है और आपके दशम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। पैसे के मामले में जो भी बातें हैं वो आज के दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। पिछले कई दिनों से अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं या फिर पैसे के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको आ रहे हैं तो आज का दिन उससे पूरी तरह से अलग होगा। कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है। पैसे का कुछ अच्छे स्रोत आपके सामने आ सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए आर्थिक स्रोत के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपको काफ़ी अच्छे आर्थिक लाभ होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा
केंद्र योग करने जा रहा है, तो फिर 1:09 के बाद ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में सिर्फ मंगल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में सिद्ध रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में सिद्ध मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में सिद्ध बुध के साथ आपके भाग्य भाव का गुरु और आप ही के राशि में सिद्ध मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर के बाद का जो समय होगा वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आप जो भी काम हाथ में ले गए वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो जाओगे, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए अगर कोई काम आपके सामने है जो कि आपको करना है और कि पिछले कई दिनों से हो नहीं रहा है, पेंडिंग काम है, वो आप हाथ में ले सकते हो, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में बड़े जो काम है वो आपके पूरे होने की काफ़ी अच्छी संभावना बनती है। तो अगर आप अभी से ही कुछ उसके बारे में सोचते हो तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में सिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में सिद्ध रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में सिद्ध मंगल के साथ आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में सिद्ध बुध के साथ आपके व्यय भाव का जो मंगल है और आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले आप निपटा लो। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत से ऐसे काम होंगे जिसके बारे में आप सोचोगे लेकिन वो काम पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की सराहना होगी और कुछ अच्छी बातें भी दिखाई देंगी, लेकिन आपके काम प्रत्यक्ष रूप में होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है दोपहर से पहले अगर आप करते हो तो उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित मंगल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके सप्तम भाव को जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है और आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग भी करने जा रहा है। काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, संपूर्ण दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। दोपहर के पहले का जो दिन है उसमें आप जो भी कार्य क्षेत्र आपका जो भी है उससे रिलेट करने वाले जो भी काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। कई दिनों से अगर आप कोई काम कर रहे हो वो सफल नहीं हो रहा है तो आज या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में वो सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ऐसे काम जो कि रुके हुए हैं, खास करके पैसे के मामले में जो रुके हुए काम हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छी संभावना बनती है। अगर आपने किसी बड़े काम, जैसे कि आपका स्वभाव भी है आप बहुत बड़ा सोचते हो, तो अगर कोई बड़े काम के बारे में आपने सोचा है तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में मिल सकते हैं, उसके संकेत आपको अच्छे मिल सकते हैं। यदि अगर कोई ऐसी बात है तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसके ऊपर काम करो, काफ़ी संभावना बनती है कि आपको ऐसे काम मिल जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप शेयर मार्केट से भी डील करते हो तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होंगे, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार दोपहर 1:09 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में से रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव का जो मंगल है वह आपके षष्ठ भाव के गुरु के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव का जो बुध है वह बुध आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ
लाभ योग करने जा रहा है। तो दिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू तू मैं हो सकती है, बस वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले दो से तीन दिन में आपको सहज लाभ जिसे बोलते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो उसके लिए तैयार रहना क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगी। उसी प्रकार कन्या राशि के जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रहे, उनके लिए भी आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायी होंगे, तो उसके लिए पूरे तरह से तैयार रहना, आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। जो कन्या राशि के व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर बदली करना चाहते हैं, उनके लिए भी आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ है चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद है चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वही प्रसिद्ध मंगल के साथ है चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है और आपके भाग्य भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके पहले अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तनाव आया है तो ये जो तनाव है पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, काफ़ी अच्छी सलाह भी मिल सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आपके आप जो भी अंदाज लगाओगे आने वाले 2 से 3 दिन उसके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। आप जो भी अंदाज लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अगर नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो भी आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे भी आपको अच्छी सलाह मिल सकती है या फिर मदद मिल सकती है, तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो भी रुके हुए काम है आप ले सकते हो हाथ में और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वही प्रसिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो मंगल है और चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह लाभ योग भी करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर तक का जो समय है वो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। दोपहर के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। सिर्फ आप अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आप थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस में आ सकते हो, मेंटल प्रेशर में आ सकते हो, बस वहीं पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन इजी मनी जिसे हम बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम बोलते हैं, वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के आपके जो अधिकारी वर्ग होंगे उनसे आपको शाबाशी मिल सकती है, आपके काम का अप्रिसिएशन हो सकता है या फिर आपका जो भी कर्म है या फिर जो भी आपका मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज़ आपके सामने आ सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आगे जाके उससे आपको कुछ अच्छे फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो आने वाले 2 से 3 दिन करियर के मामले में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, आपके पंचम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा
लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है और तृतीय भाव का जो गुरु है वह लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर के बाद का जो समय है काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। दोपहर तक सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर पिछले कई महीनों में किसी वजह से अगर उसमें खिंचाव आया है तो काफ़ी मायने में वो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब आने वाले 2 से 3 दिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे दिन है आने वाले 2 से 3 दिन, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। राशि के द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ द्वितीय भाव का जो गुरु है और षष्ठ भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके अगर आप जॉब लेस हो, अगर आप जॉब में कुछ करना चाहते हो, नया कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो, उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज़ अगर आपके मन में हैं तो उसके ऊपर ज़रूर काम करना हो। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग हैं उनका आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव आ सकता है, तकरार हो सकती है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा और आपके सेहत के बारे में भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस या फिर कोई नौकरी के बारे में सोचते हो तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करेगा। आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा युद्ध योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ आपके पंचम भाव का जो मंगल है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ आपके पंचम भाव का मंगल और आप ही के राशि में स्थित गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। तो आज दोपहर तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा आराम करना पसंद करेंगे, लेकिन वो आपका आराम मिलेगा नहीं। दोपहर के बाद का जो समय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके जो भी रुके हुए काम हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे होने वाले हैं उसके ऊपर, लेकिन काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो जाओगे, कुछ नए नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं जो कि फ्यूचर से रिलेट करने वाले होंगे। उसी प्रकार आप जो भी काम करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हो, उसके बारे में जो भी रुके हुए काम हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो उसके संदर्भ में अगर आप कोई काम करते हो, हाथ में लेते हो, तो वो पूरे होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी रुके हुए काम हैं वो अगर आप हाथ में लेते हो तो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो आने वाले 2 से 3 दिन जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होंगे, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 1:09 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, वहीं पर स्थित मंगल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके वैय भाव में स्थित गुरु के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ आपके वैय भाव का गुरु और आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए कुछ खरीदारी वगैरह हो सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है आप घर पर रहना पसंद करोगे, थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 जो दिन है
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके लिए कुछ नई बातें आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे और आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 17 अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।